दोस्तों बात करने वाले हैं आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रेलवे में जो भी वैकेंसी निकालती है, जो भी जॉब निकलती है और उसका नोटिफिकेशन निकलता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है एनुअल ईयर में कहाँ कहाँ मतलब कौन से महीने में कब वैकेंसी निकलती है, तो उसके रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं। और इसके द्वारा जो है आरआरबी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन भी निकाला गया है, ठीक है, तो आज इसको समझने वाले हैं। आपको पता होगा कि जैसे कि एसएससी में पूरे साल का जो है कि एनुअल कैलेंडर निकाला जाता है, तो उसी कैलेंडर के रिगार्डिंग जो है आज बात करने वाले हैं। कैलेंडर में जो है सब दिया जाता है कि कहाँ कब कितनी वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। तो अभी मैं आरआरबी के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको समझाता हूँ नोटिस। ये नोटिस है, ये मेरे चैनल पर पोस्ट हुआ था, ऑलरेडी हो चुका है पोस्ट इन्फॉर्मेशन ग्रुप के व्हाट्सएप चैनल पर। जिन्होंने फॉलोवर करके रखा है, मतलब फॉलो करके रखा है, तो मेरे फॉलोवर जो है देखे होंगे उस नोटिस को, ठीक है। तो इसको मैं आज आप पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला गया है कि द पीसीपीओस ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिटी द चेयरमैन पर्सन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इसका सब्जेक्ट खात क्या था, इसमें सब्जेक्ट आपको बोला गया एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी। मतलब आरआरबी के द्वारा कोई भी जो निकाला जाएगा रिक्रूटमेंट, उसका आपका एनुअल कैलेंडर आपको यहाँ पर दिया गया 2025 के लिए, ठीक है। तो ये आपको बोला गया, आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर एनुअल मैं ज़ूम कर देता हूँ, और एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट, तो इसमें सबसे पहले बात करते तो आपको जनवरी से मार्च तक, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च जो 3 महीना है स्टार्टिंग के, उसमें जो है आपका यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकलेगी। और वैकेंसी का जो असेसमेंट है वो 30/6/2026 तक जो यहाँ पर हो जाएगी। और वैकेंसी और असेसमेंट ऑफ वैकेंसी इन OIRMS तो वो आपका नवंबर 2024 तक जो है यहाँ पर होगा। और इसमें बोला गया है आपको आइडेंटिटी ऑफ वैकेंसी इन OIRM आफ्टर अप्रूवल, तो वो दिसंबर 2024 आपको डेट बता रहा है। फिर प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CNE, तो उसमें आपका जनवरी 2025 में आपका निकलेगा। अब इसमें आपको अब जनवरी फरवरी मार्च फिर अप्रैल से जून तक का जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, क्योंकि आरआरबी में अभी NTPC का वैकेंसी आता है, तो उसका यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप मैंने करवा दिया है। फिर टेक्नीशियन की, तो ये सब की जो है मैंने आपको बता दिया है नोटिफिकेशन में, एक्सप्लेन कर दिया, सबका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको क्या बोलते हैं सब जो वीडियो मेरे चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो वैकेंसी असिस्मेंट इसमें 6/30/26 तक जो है असेसमेंट हो जाएगा। और असेसमेंट ऑफ वैकेंसी इन OIRM तो आपका जनवरी से फरवरी 2025, उसके बाद आपका जो अप्रूवल है वो 2025 फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में आ जाएगा। अब प्रपोजल ड्राफ्ट जो CNE निकलता है तो वो मार्च 2025 में जो है निकलेगा। अब NTPC ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट तो दोनों लेवल 4, 5, 3, 4, 5, 6 में जो सैलरी होती है, तो NTPC में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन में वैकेंसी वापस से निकलेगा, ठीक है। इसका भी जो है आपको वहाँ पर बताएगा, वो जुलाई से सितंबर तक के बीच में निकलेगा। हर साल ऐसा ही होता है, जुलाई से सितंबर तक के बीच में निकलता है। और अभी तो अक्टूबर हो गया, अभी इसका लास्ट डेट आई थिंक जो है 20 अक्टूबर है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन का, शायद कन्फर्म नहीं है, इतना आपको बताया हुआ था। डेट भी एक्सटेंड हुआ था हाल ही में आरआरबी NTPC का, उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको बताया था, नोटिफिकेशन एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। तो इसका जो डेट है ये आपको बोला गया कितना रहने वाला है, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग जो है आपको देखो जुलाई और सितंबर में बहुत वैकेंसी निकलेगा, अब आपको आरआरबी NTPC में बदली निकलेगा ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन, साथ ही में जो है आपको जूनियर इंजीनियर डेपोर्ट मटेरियल सुप्रीमेंट एंड केमिकल एंड मेटेलिगुरल असिस्टेंट का भी यहाँ पर पोस्ट निकलेगा। फिर पैरामेडिकल की भी यहाँ पर निकलेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ग्रुप डी की जो पोस्ट आती है ना, वो लेवल 1 में रहता है अक्टूबर से दिसंबर तक का यहाँ पर है, और इसका आपको डेट बताएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर 2024 में कब निकला था, तो यहाँ आपको बोला गया कि अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में निकलेगा। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, शायद नवंबर में जो है इसका आ जाएगा, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है नवंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के एंड में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए ग्रुप डी के लिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला गया, तो आई थिंक आपको यहाँ पर सब चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर लिया। और ये जो है डे ये 10/10/2024 को यहाँ पर निकल गया था, थोड़ा जो है यहाँ पर लेट हो गया वीडियो बनाने में, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आज आपको बता दिया। हालांकि इसमें 2024 में जितनी भी वैकेंसी निकली आ रही है सब के रिगार्डिंग मैंने बात भी किया, और जो है मैंने जो है अप्लाई के ऊपर भी जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आरआरबी NTPC टेक्नीशियन सब के लिए जो है मैंने बनाया था, ठीक है।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। ये जो कैलेंडर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा कि यार कैलेंडर है किस चीज़ का। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करिए क्योंकि यहीं पर जो है मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो आपको मालूम होगा, ठीक है। मिलते किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।